चैनल नाजरीन, ये अभी अभी आपने एक क्लिप देखा है वीडियो के शुरू में। ये क्लिप नाजरीन किसी जो है कोई ऐसे जलसे का नहीं, ना ही किसी की कोई मतलब के कोई नून लीगी कायद या नून लीगी रहनुमा या किसी मुस्लिम लीग जो है पीपल पार्टी के जो है कोई वर्कर कन्वेंशन या किसी ऐसी जगह की ये वीडियो नहीं है, ये क्लिप नहीं है जहां पर जोर शोर के नारे लगे हों। ये क्लिप है जनाब हमारे बकर के तहसील मनकेरा के एक चक का जो है ये एक वीडियो है जिसमें इस वक्त के MBA गवर्नर साहब चीना के खास इतिहादी जो के दो भाई हैं अंसर इकबाल चीना और अफसर इकबाल चीना, ये दोनों भाई नावीन ये बड़ी सियासी चाल कह लें या एक डिप्लोमेसी है इनकी सियासी, जिस तरह के आप कह लें कि असद उमर और उनके भाई दूसरे हैं उसी तरह के जो है ये मतलब कि एक भाई एक पार्टी में दूसरा भाई दूसरी पार्टी में रहकर मफादात हासिल करते हैं, तो इसी तरह जो है ये एक भाई अंसर इकबाल चीना साहब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा और जबकि अफसर इकबाल चीना साहब कभी पीपी और कभी जो है PTI का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन मजमू तौर पर जो है नावीन जो अपना तहसील लेवल पर ये पिछले कुछ दिनों से जो है ये सरगर्मियां जरूर ओहदे जरूर हासिल करते रहे मुख्तलिफ पार्टियों के, लेकिन जो है ये इतिहादी गवर्नर साहब चीना के ही रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो मुझे जिस दोस्त ने ये वीडियो भेजी है, जिस भाई ने ये वीडियो क्लिप भेजी है और ऑडियो भी भेजी है, लेकिन वो ऑडियो मैं आपको सुना नहीं सकूंगा क्योंकि उस ऑडियो से शायद वह हो सकता है कि उस शख्स की शिनाख्त हो जाए, फिर ये अपने अपने जराए होते हैं। तो जिसने मुझे ये खबर दी है नाजरीन, उस वीडियो में देखा जा सकता है जो है उस ऑडियो वाले शख्स ने मुझे बताया मेरे भाई ने कि ये जब कल एक टूर्नामेंट था क्रिकेट मैच था तो उसमें मेहमान एक्सक्लूसिव के तौर पर अंसर इकबाल चीना साहब जो है वो गए और वहां पर एक चमचा उनका आउटर खड़ा हुआ और माइक पकड़कर जो है वो तकरीर झाड़ना शुरू कर दी कि ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, सूबाई असम्बली के हल्का के उम्मीदवार होंगे मनकेरा से और आपने इनको वोट देने और इस तरह ये कर देंगे वो कर देंगे, सब भाग दिखाए मतलब जैसे कि सियासतदान सब भाग दिखाते हैं। तो नून लीग का जैसे ही नून लीग के हवाले से जिक्र हुआ, अंसर इकबाल चीना का तारफ हुआ तो पीछे खड़े नौजवानों ने जो है वो दर्जनों नौजवान थे उन्होंने चोर 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 के नारे लगाना शुरू कर दिए, वही नारे जो है मस्जिद नबवी में नून लीग की क़यादत के खिलाफ लगे, वही नारे जो इमरान खान के जलसों में जो है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लगते हैं वही नारे लगना शुरू हो गए। और उसके बाद बताया यही जा रहा है कि बड़ी मिन्नत समाजत करके उनको कंट्रोल किया गया और इलाके के बुजुर्गों ने जो है वो उनको कंट्रोल किया। और वीडियो में आप नावीन ये भी देख रहे होंगे कि अंसर इकबाल चीना साहब जो है वो बड़ी खामोशी से बैठे हैं, दीगर लोग जो है नौजवानों को इकट्ठा कर जो है खामोश कराने में मसरूफ हैं। तो ये बड़ी एक मेरे ख्याल में उनका साथ बहुत कुछ हो गया, तो इसलिए मैं कहता हूँ नावीन मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी गुलजार साहब चीना और आमिर खान जानी के हवाले से और उनको एक अपील की थी बल्कि पैगाम दिया था कि बेहतर यही है कि अभी से आप अपनी वाजे पॉलिसी का ऐलान करें। तो इनके लिए भी यही है नावीन कि इन्होंने जो है ये बगैर तो कोई नून लीग का हिस्सा है एक भाई तो दूसरा PTI का हिस्सा है और जो है कभी मकामी सतह पर ये कहते हैं कि हम गवर्नर साहब चीना के इतिहादी हैं, तो बेहतर यही है कि अगर अंसर इकबाल चीना ने वाकई इलेक्शन लड़ना था तो वो शुरू से ही जो है इतिहाद खत्म करने का ऐलान करते गवर्नर साहब चीना की बात तो और फिर नून लीग में शमूलियत के साथ और फिर अपनी जो है सरगर्मियां बतौर MP उम्मीदवार शुरू करते तो बेहतर था। आज उनको मेरे ख्याल में ये दिन न देखना पड़ता अगर वो इस किस्म की जो है, लेकिन ये जब ऐसा करेंगे कि मकामी सतह पर इतिहाद होगा PTI के जो उम्मीदवार जो MPA है उनका उसके इतिहादी होंगे और फिर कहेंगे कि जी मैं मुस्लिम लीग नून का अहदेदार भी हूँ और फिर किसी जगह जाकर जो है ये ऐलान होगा कि ये जो है सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हैं इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार भी हैं, तो फिर ऐसे नारे तो इनके खिलाफ लगेंगे चोर चोर के नारे तो लगेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है ये आप वीडियो शायद हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर हो क्योंकि इससे ये भी होगा कि जब ये नारा लगा कि ये सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं तो उसके बाद यकीनन ये भी खतरा हो सकता है कि मौजूदा MPA जो कि PTI का हिस्सा है और जो है ये भी मैं आपको बता दूं कि ये अंसर इकबाल और अफसर इकबाल मलिक इकबाल मरहूम के साहबजादे हैं और ये पहले जो है नवानी ग्रुप का हिस्सा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ तकरीबन दो इलेक्शनों से जो है वो गवर्नर साहब चीना के इतिहादी हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में तो ये इतिहादी थे गवर्नर साहब चीना के वाजे लफ्जों में खुले लफ्जों में ये इतिहादी थे और इलेक्शन कंपेन भी में भी हिस्सा लिया गवर्नर साहब चीना के लिए वोट भी मांगते रहे। तो ये और तहसील काउंसिल के चेयरमैन भी रहे नावी ये अंसर इकबाल चीना साहब जिनको ये भरपूर नारों का जो है सामना करना पड़ा है कल। तो ये नावीन आप अगर उम्मीदवार हैं
तो आप मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत हो चुका है। और ये भी हो सकता है कि ये कुछ चाल चली गई हो, पता चला हो एमपीए साहब को कि जो है ये कोई इनको इनके ग्रुप को छोड़ने वाले हैं, तो ये नारे उनकी जानिब से लगवाए गए होंगे। कहीं भी अगर नून लीग का जिक्र हो तो आप नारों से उनको, इस तरह के नारों से उनको जो है ललकारें या उनको खिताब दें ताकि ये दोबारा उनसे जो है रूठ कर जाने का सोचे बिना। खैर, मकामी सियासत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो कल पैगाम आमिर खान शाह ने और गवर्नर चीना को दिया था, वही पैगाम इनके लिए भी है कि बेहतर ये है कि अभी से फैसला करें कि आपने कहाँ पे खड़ा होना है और किस जमात के साथ खड़ा होना है, वरना ये इस तरह के वाकयात आज एक हुआ है तो आगे या ऐसे वाकयात गवर्नर चीना साहब के साथ भी हो सकते हैं और डॉक्टर गुल खान ढाणा की तरह जो है आमिर खान शाह के साथ भी ऐसे वाकयात पेश आ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई के वर्कर है वो बड़ा जो है उसके मैं नहीं कहता कि उनकी तबीयत गलत हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से कुछ ऐसे ही मामला पा रहे हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो कुछ इसी तरफ ही जा रही है कि जो है वो किसी तकरीब का या उसका या बड़े छोटे का लिहाज नहीं रख रही और वो इस तरह के नारों और ये इस तरह एक मेहमान का ये वैसे एक मेहमान थे उनके उनके इस्तकबाल इस तरह किया जाना भी अफसोसनाक है। लेकिन खैर, जिस तरह की तबीयत सियासी कैदीन करते हैं आगे उसी तरह का जवाब भी आना है, उसी तरह का रद्द अमल भी आना है, तो हो सकता है कि आगे कोई इनका भी रद्द अमल आए। खैर, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।